हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका इंजीनियर आशीष यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आशीष भाई के साथ, आशीष भाई के चैनल पर। आशीष भाई मुझसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं, उनका मैं कुछ जवाब देने वाला हूँ। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको मेरे बारे में पता चलने वाली हैं। आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा हमारे साथ। मेरा नाम है अंकित, भाई का नाम है आशीष, आप है इंजीनियर आशीष यूट्यूब चैनल पर। चलिए आगे बढ़ते। भाई स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेट्स, आपके 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ, थैंक्स करना चाहता हूँ आशीष भाई आपको कि आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया। जी हाँ आशीष भाई, हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और बस ये हमारी फैमिली है, मैकेनिकल की फैमिली है, प्यार है और उनका सपोर्ट है। और उम्मीद करता हूँ भाई आपके भी बहुत जल्दी, बहुत बहुत जल्दी 1 लाख हो जाएंगे। आपने बहुत अच्छे से स्टार्ट कर लिया है, इनिशियल ग्रोथ भी आपको मिली चुकी है। भाई थैंक यू आपकी विशेस के लिए। एक बात बताओ, आपके चैनल में अप्रोक्सीमेटली 400 वीडियोस हैं, 5 मिलियन तक आपके चैनल पर व्यूज हैं। भाई इतने कम समय में ये सब अचीव कर लिया है, वो कैसे है? अप्रोक्सीमेटली 400 वीडियोस और 5 मिलियन यानी कि 50 लाख व्यूज 1 साल और कुछ महीने में भाई हमने अचीव किया है। भाई आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत जल्दी हो गया है ये, लेकिन भाई अगर आप दूसरे चैनलों से मेरे चैनल का कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये बहुत धीरे हुआ है। हालांकि मानता हूँ एडुकेशनल यूट्यूब चैनलों का ग्रोथ थोड़ी अलग तरीके से होती है, दूसरे चैनलों की ग्रोथ थोड़ी अलग तरीके से होती है, लेकिन भाई मैं भी इंसान हूँ यार, मैं भी ये चाहता था कि हमारा चैनल जो ग्रो होए वो बहुत तेज़ी से ग्रो होए। और शुरुआत में बहुत यह सब चीज़ें देखता था मैं कि दूसरे चैनल का इतने समय में इतना हो गया, मेरे चैनल का अभी ये है, मेरे चैनल की स्थिति ये है, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया। लेकिन भाई बाद में मुख्य बात ये मेरे को पता चली कि ध्यान देना है वो सिर्फ कंटेंट में ध्यान देना है, की है वो है सिर्फ कंटेंट। किस काम के लिए आप चैनल शुरू किया है वो काम आप लगातार करते रहिए, दूसरों की तरफ मत देखो भाई कि इसका इतना ग्रोथ हो रही है या इसके एक दिन में इतने व्यूज आ रहे हैं, मेरे इतने व्यूज आ रहे हैं, ये सब देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ज्यादातर लोग यही सब चीजें देख के डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है भाई, और मेरी जो ग्रोथ हुई है हो सकता है आपकी भी ग्रोथ हो जाए, हो सकता है आप इससे भी तेज ग्रोथ कर लें। बस आपको ध्यान देना अपने कंटेंट पे, कंटेंट ही की है भाई, लगातार वीडियो डालो और अच्छे वीडियो डालो, जरूर चलेंगे। भाई आपकी बात तो मानेंगे, भाई आपकी बात तो मानेंगे, मैकेनिकल ग्रुप में सबसे सीनियर तो अभी आप ही हो, आपकी बात तो माननी है। भाई क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, सभी इसका जवाब भी शायद चाहते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? कि अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई मैकेनिकल इंजीनियर और रिलेशनशिप का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होता है, उसी तरह मेरी भी लाइफ है भाई। मैं कुछ अलग हट के बंदा नहीं हूं, मैं भी मैकेनिकल वाला हूं, मेरे बैच में भी कोई बंदी नहीं थी, शुरुआत से मेरा भी कोई इंटरेक्शन नहीं है और ना ही अभी भी है। इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद पावर प्लांट में नौकरी लग गई, कोर बॉयलर सेक्शन में नौकरी लग गई, तो भाई उसके बाद तो समय भी नहीं है और अभी यूट्यूब है और अभी तो इस सब चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकता। कायदे से मैं बोलूं कि मैं किससे प्यार करता हूं तो वो पहली चीज है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दूसरी चीज है यूट्यूब और तीसरी चीज है मेरे घर वाले, मेरी फैमिली, मेरी मॉम। ये 3 चीजें हैं जिनसे मैं प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। और आप तो हो ही, मेरी जो फैमिली है मैकेनिकल गुरु फैमिली है, यानी कि मेरा यूट्यूब चैनल है, इसका तो नाम मैंने दे ही दिया इन तीनों में, तो बस यही है भाई। इसके अलावा तो गर्लफ्रेंड का जी भी अपने लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ भाई यही तो खासियत है, यही तो पहचान है मैकेनिकल इंजीनियर्स की, आपने जवाब भी दे दिया और हमें जवाब भी नहीं मिला। अच्छा भाई एक चीज़ बताओ, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके यूट्यूब चैनल को लेकर? फ्यूचर में क्या एम है भाई? फ्यूचर में इस यूट्यूब चैनल में अंदर कंटेंट से रिलेटेड तो मैं कुछ ज़्यादा भी सोच नहीं रहा हूँ। अभी तो जो कंटेंट चल रहा है संडे की जॉब अपडेट, सैटरडे को सेट मैक लाइव, उसमें छोटा सा गिव अवे, बाकी के दिन जो वीडियोस आना चाहिए उस तरह के वीडियोस, अभी तो फिलहाल मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर यही चलेगा। बाकी दूसरी चीज़ें मैं बहुत सारी प्लान कर रहा हूँ, मेरे घर के पास से ही रोड है, मेरे घर के पीछे में गुरुद्वारा है, अगर यहाँ पे कीर्तन चलता है या बहुत आवाज़ होती है, कुछ प्रोग्राम होता है तो मैं वीडियोज़ नहीं बना पाता हूँ,
तो अपने घर का साउंड प्रूफ कराना है, बेसिकली अपने कमरे को साउंड प्रूफ करवाना है, सेटअप में थोड़े चेंजेस करना है, और उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो तो मैं सरप्राइज ही रखना चाहता हूँ भाई, और वो सरप्राइज ही रहेंगी, और बाद में एज अ सरप्राइज व्यूअर्स को मिलेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बेसिकली जो फ्यूचर में होगा वो अभी आप ये समझ लीजिए कि पूरी तरह से सरप्राइज है। भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, फिर भी हम आपके सरप्राइज का वेट करते रहेंगे। भाई आप रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हो, कंसिस्टेंट हो, क्या लॉजिक है इसके पीछे? अब भाई आपने पूछा कि रेगुलर वीडियोस अपलोड करने का लॉजिक क्या है। भाई फ्रैंकली बता रहा हूँ, जब मैं चैनल की शुरुआत किया था तब मुझे कुछ भी नहीं पता था कि रेगुलर वीडियोस अपलोड करने का ये फ़ायदा होता है, या मेरे को वीडियोस इस फ्रीक्वेंसी से अपलोड करना चाहिए, इससे ये फ़ायदा होगा या इससे ये नुकसान होगा, बिल्कुल भी नहीं पता था। भाई जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो चैनल है ये एडुकेशनल चैनल है, मैकेनिकल वालों का चैनल है। जब मैं चैनल की शुरुआत किया था तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही कंटेंट डालता था, जो सब्जेक्ट वाइज कंटेंट रहते थे वही पोस्ट करता था, वही वीडियो डालता था। तो भाई मैं चाहता था कि जो बंदा कल वाली मेरी वीडियो देखा था वो आज भी आए, या अगली वीडियो भी मेरी वो देखे। और भाई सीधी सी बात, मैं मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल डाला हूँ, तो मैं शुरुआत में ये चाहता था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंटेंट मेरे चैनल पर रहे, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपने चैनल में डाल देना चाहता था, ताकि कम से कम मैकेनिकल इंजीनियर्स आके कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन तो करते ही रहे मेरे चैनल पे। तो भाई बस यही मकसद था, और मैं ऐसा नहीं था कि मैं एक साथ बहुत सारी वीडियो बना के डाल दूं, मुझे दिन में कुछ समय मिलता था वीडियो बनाने का, तो मैं दिन में वीडियो बना लेता था और उसे पोस्ट कर देता था। और भाई रेगुलर अपने आप ही हो गया यार, अपने आप ही हो गया, मैं इसके बारे में अब क्या बताऊं, कंसिस्टेंसी अपने आप बन गई, रोज का काम से थोड़ा सा समय निकालना, वीडियो बनाना डालना, और मेन मकसद यही था कि इंट्रैक्शन बनाए रखना, चैनल में इंट्रैक्शन बनाए रखना मेरा मकसद था। जो पहले वीडियो देख चुके हैं उन लोग एक्टिव रहें, उन लोग भाग ना जाए, या उन लोग भूल ना जाए कि मेरा एक चैनल है या मैकेनिकल गुरु करके एक यूट्यूब चैनल है। भाई ये जो आप काम कर रहे हो सभी स्टूडेंट्स के लिए, इसको हम सभी अप्रिशिएट करते हैं। और भाई आपने एक नया इनिशिएटिव लिया है अभी कुछ देर पहले, आप जॉब अपडेट्स के बारे में बताते हो, कई बार जो जॉब में स्कैम्स वगैरह चलते हैं, घोटाला चलता है, उसके बारे में भी बताते हो, तो आप सभी को उनसे बचा भी हो स्कैम से। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो आप जॉब अपडेट्स बता रहे हो, स्कैम से बचा रहे हो, उन सभी चीज़ों के लिए हम सबकी तरफ से आपको थैंक यू। भाई जहाँ तक रही बात जॉब अपडेट की, तो ये जॉब अपडेट का जो आइडिया है ना, ये बहुत पहले से मुझे आ गया था। मैं बता रहा हूँ, मेरा सेकंड पावर प्लांट था वो कोतमा में था, कोतमा में मैं काम कर रहा था आर्या पावर में। तब वहाँ पे, जहाँ पे कोतमा में मैं था, वहाँ पे ना मेरे को न्यूज़पेपर नहीं मिल पाता था, बिल्कुल भी नहीं मिल पाता था, किसी भी तरीके का न्यूज़पेपर नहीं मिल पाता था। कुछ अगर वैकेंसी निकलती थी तो यहाँ से पापा, घर से पापा फ़ोन करके मुझे बताते थे, फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेजते थे। तो जब मैंने अपना YouTube चैनल शुरुआत किया तब मुझे लगा कि भाई मेरे जैसे तो बहुत से स्टूडेंट्स होंगे, बहुत से लोग होंगे जो बाहर रहते, अपने घर से दूर रहते, इनको पेपर पढ़ने नहीं मिल पाता, दूसरी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो जॉब इनको कैसे पता चलेगी। तो भाई मैंने जॉब अपडेट की शुरुआत की, स्टार्ट किया था मैं संडे जॉब अपडेट से, हर संडे को मैं जॉब अपडेट देता था। उसके बाद धीरे धीरे लोगों की डिमांड आने लगी कि ये नोटिफिकेशन आया है भाई, इसके बारे में डिटेल से बताओ, ये नोटिफिकेशन आया इसके बारे में डिटेल से बताओ। फिर पर्टिकुलर जॉब के ऊपर भी वीडियो बनना चालू हो गई, और वो पूरी तरह से लोगों के डिमांड के ऊपर भी बनी। और भाई बहुत इंपॉर्टेंट जॉब्स भी निकली, जैसे रेलवे की ALP टेक्नीशियन की जॉब निकली, तो उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनाना तो बनता ही था। तो ऐसे करके स्पेसिफिक वीडियोस बनना शुरू हुई, नोटिफिकेशन जो आ रही उसके ऊपर, ऐसे करके जॉब अपडेट की भी शुरुआत हुई। और एक्चुअली में जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ भी होती है, जो एम्प्लॉयमेंट पेपर होता है, रोजगार पेपर होता है, उसमें भी बहुत सारी जॉब्स रहती हैं, बहुत सारी जॉब्स रहती हैं, समझ में नहीं आता मैकेनिकल वालों की कौन सी है, इंजीनियर्स की कौन सी है, डिप्लोमा की कौन सी है। तो मैं भाई बस एक अफेक्टिव जॉब अपडेट देना चाहता था लोगों को, जहाँ पे सिर्फ मैकेनिकल वाले या इंजीनियर्स, ITI कैंडिडेट्स और डिप्लोमा वाले ही शामिल हो, सिर्फ इन्हीं की जॉब मैं बताऊंगा। तो यही था एक आइडिया जॉब अपडेट के पीछे। रही बात स्कैम की, तो भाई ये तो बहुत बुरी चीज़ है ना यार, कि कोई स्कैम चल रहा है जो लोगों को लूट रहा है। मैं नहीं चाहता भाई कि मेरा देखने वाला कोई भी बंदा फंसे, मैं नहीं चाहता कि मेरा जो व्यूअर है वो कोई फर्जी कंपनी में
पैसा लगाए और उसके बाद जो कोई अच्छी कंपनी में रिक्रूटमेंट निकले वो उस फॉर्म को ना भर पाए। क्यों भाई कोई फंसे यार, क्यों किसी का पैसा बर्बाद हो? किसी का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए भाई, बस यही मेरा सोच था। और इसीलिए भाई कुछ स्कैम के बारे में मुझे पता चला तो मैंने उसकी वीडियो बना के आप लोग को दे। भाई आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप सच्चे मन से काम कर रहे हो इसलिए आपको इतना प्यार भी मिल रहा है, आपकी फैमिली भी इसलिए इतनी बड़ी फैमिली है। भाई एक चीज़ और बता दो, हम जो एजुकेशनल चैनल्स हैं जिन्होंने अभी अभी एजुकेशनल चैनल्स बनाए हैं या जिनके चल रहे हैं, उनके लिए कुछ टिप्स भी दे दो। किसी एजुकेशनल चैनल को यूट्यूब पर किस तरह ग्रो करना चाहिए प्रॉपर तरीके, 3 प्रो टिप्स पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बना के डाला था भाई, आप लोग डिटेल से जानना चाहते तो वो वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा मैं अभी कुछ बातें आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कंटेंट, कंटेंट ही आपका किंग है भाई। क्या कंटेंट आप दे रहे हैं, क्या चीज़ आप पढ़ा रहे हैं, किस बारे में आप समझा रहे हैं, क्या चीज़ आप बनाना सिखा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सा कैमरा आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सा माइक आप यूज़ कर रहे हैं, क्या लाइट है कि नहीं है, उस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मेन एडुकेशनल यूट्यूब चैनल का ऐसा है कि जो चीज़ें आप बता रहे हैं सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। नंबर 2, कंसिस्टेंसी। आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए, रोज़ वीडियो डालिए। रोज़ नहीं बन पाता है तो हफ्ते में वीडियो डालिए, 3 दिन में वीडियो डालिए, 2 दिन में वीडियो डालिए, लेकिन एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना पड़ता है। यूट्यूब का एल्गोरिदम भी कुछ इस तरह है कि कंसिस्टेंट जो चैनल रहते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करता है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप ग्रो करना शुरू कर देंगे अगर यूट्यूब पर तो बहुत सारे ऐप्स आपके पास आएंगे, बहुत सारे दूसरे एडुकेशनल प्लेटफॉर्म आपके पास आएंगे, आपको बोलेंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म में चलो, अपने सब्सक्राइबर को बोलो कि हम यहाँ भी कोर्स बना रहे हैं वहाँ जाओ। तो भाई आपको अपने सब्सक्राइबर को किसी दूसरी जगह में नहीं भेजना है, अगर आपके पास आपके सपोर्टिंग सब्सक्राइबर हैं वो तो आपको इस काम के थ्रू मिले हैं, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिले हैं, तो आपको उनका मान करना, उनका सम्मान करना है। कुछ चंद पैसों के लिए या कोई बोल दिया मैं इतना रुपया दे रहा हूँ, बोल दे कि इस चैनल पर या इस ऐप पर चले जाओ, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना। इन 3 बातों का हम सभी यूट्यूबर्स ध्यान रखेंगे। और भाई थैंक यू, आपका इतना बिजी स्केड्यूल रहता है फिर भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए आपको थैंक यू वेरी मच। भाई कुछ लास्ट में कहना चाहोगे? भाई तो भाई लोग यही था एक छोटा सा कोलैबोरेशन मैकेनिकल वालों का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो जरूर इसे लाइक कीजिए भाई लोग, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और इंजीनियर आशीष यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए रोज़ ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहते हैं। बहुत जल्दी हम लोग आपसे मिलने वाले हैं। जय जवान जय किसान। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर वहाँ से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।